जी हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संदर सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। कई बार मेरे पास जो लोगों के मैसेजेस आते हैं उसमें एक मैसेज यही होता है कि बिना किसी रीजन के उनके दोस्त ने या उनके माता ने, पिता ने, या पति या ना पत्नी ने, किसी ने भी बात करना अचानक बंद कर दिया, या सच में कोई गलती हो गई थी तो बात करना बंद कर दिया है। लड़ाई बहुत हो रहा है, झगड़ा बहुत हो रहा है, वो तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, वो तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। कल मेरे को इंस्टाग्राम से कम 800 या 900 मैसेज आए थे जो सिर्फ इंस्टाग्राम से थे, क्योंकि सब यही लिख रहे थे कि हमने आपका इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा, और वो सारे के सारे एक ही बात लिख रहे थे कि माता मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छे से बात करती थी, पता नहीं क्या हो गया आजकल बात नहीं कर रही है, और कुछ बात करो तो चिढ़ जाती है। कोई लिख रहा था कि मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया, मुझे ब्लॉक कर दिया है, 3 दिन से बात नहीं कर रहा है, अचानक से दिक्कत आ गई है। कुछ लोग यूट्यूब से आ रहे थे, कुछ लोग इंस्टाग्राम से आ रहे थे, लेकिन आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको रेफरेंस मिला था कि हमें आपके बारे में किसी ने बताया है और हम ऐसे ऐसे परेशान हैं, हमारी मदद कर दो। तो देखो, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से देखते हैं तो किसी के संबंध को खराब करने के लिए जो सबसे पहला मैटर ऑफ फैक्ट होता है वो होते हैं शनिदेव। शनिदेव जो है एक ऐसा, शनि एक ऐसे प्लैनेट है, एक ग्रह है, शनिदेव एक ऐसी ताकत है, प्लैनेट है, ग्रह है, जो भी आप समझ लीजिए, हमारे जो आपसी रिश्ते होते हैं उनको जो कड़वाहट आती है ना, निगेटिविटी आती है, जब भी कुछ दरार आएगी, तनाव होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, वो उनकी उससे होता है। और जब भी आप याद रखिएगा, मैक्सिमम टाइम जब भी आपका शनिचर डाउन होगा आपकी कुंडली में, या शनि की वजह से आपकी कुछ भी प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत भी, तो आपके पर्सनल रिश्तन जिसके साथ भी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, लवर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, उससे खराब हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है, मैटर ऑफ फैक्ट यह है कि जब जब आपका शुक्र कमजोर होगा, शुक्र आपका डाउन होगा, शुक्र आपका बिगड़ेगा, तब तब आपका नूर कम होगा और सामने वाला आपके ऊपर अंदर इंटरेस्ट कम लेगा, और आपके साथ फिर वो, जब वो आप पे इंटरेस्ट नहीं लेगा, आप बोलोगे कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, तो या तो वो पलट के आपको उल्टा सीधा जवाब देगा, या कहेगा मुझे बात नहीं करनी, फोन रख दे, ये है वो है, और फिर वो तनाव का कारण बन जाता है कि यार ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है कि फोन रख दे वगैरह वगैरह। तो बात यहाँ पर यह है कि अगर आपका साथी या आपकी पति है, पत्नी है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, माता पिता भाई कोई भी हो सकता है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि बिना रीजन के अभी तो मुझसे बात करने को तैयार नहीं हो रहा है, खटपट बहुत हो गई या अनबन बहुत हो गई, तो ऐसे में क्या करना है, एक प्रयोग बता रही हूं। ऐसे में आपको पीली वाली सरसों आती है, पीली सरसों थोड़ी सी ले लीजिएगा, मार्केट से मिल जाती है, इजिली अवेलेबल है, 4-5 रुपए की इतनी आ जाती है आराम से, उसको आपको ले लेना है पीली सरसों को। और पीली सरसों को लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के नाम से आप चाहते हैं कि उसके साथ आपका रिश्ता भी जो खटास आई है वो अनबन ठीक हो जाए, तो उस व्यक्ति के नाम से उसको 36-36 बार जो है उस व्यक्ति का नाम पढ़ लीजिएगा, कि जैसे कि एग्जांपल है रुद्राक्ष जो है मुझसे बहुत प्यार से बात करता है, रुद्राक्ष मुझसे प्यार से बात करता है, रुद्राक्ष मुझसे प्यार से बात करता है, 36 बार, 36 टाइम आपने इस शब्द को बोला। अब रुद्राक्ष मत बोलना, आप अपने हिसाब से जिसका नाम लेना चाहते हैं उसका नाम लेंगे, मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी, जो भी जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, 36 टाइम बोलने के बाद फिर उसपे 3 बार फूंक मार देना, 3 बार फूंक मार के आपको सीधे जो है किसी शिव मंदिर में, या किसी खास तौर पर पीपल या बरगद का अगर पेड़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, शिव मंदिर हो या पीपल या बरगद का पेड़ हो, वहां जाकर एक थोड़ा सा दिया लेना और उस दिए में ये सारे कुछ भर देना, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कपूर रख के जला देना। जब कपूर से जलाओगे तो उस समय ओम शम शनिश्चराय नमः का थोड़ा सा जाप कर लेना, थोड़ा सा ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, थोड़ा सा तो जाप कर लेना, और साथ में बोल देना जैसे जैसे ये पीली सरसों जल रही है वैसे वैसे अमुक व्यक्ति का गुस्सा मुझसे शांत हो रहा है और अमुक व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता है, बस इतना ही बोलना है, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं है, बस उस पर बोलो उसे जला दो। ये प्रक्रिया करके देखिए, इससे आपको फायदा होगा और आपका जो परेशानी आ रही है कि
आपको दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपका कोई रिश्तेदार आपसे बात नहीं कर रहा है, या कि पति के साथ बहुत हलबंद हो गई है, क्योंकि इतना मैसेज आता है ना कि सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बाकी होली की राख जिन जिन लोगों ने मंगाई थी उन लोगों के पैकेट्स बन गए हैं, आज तो संडे है, एक दो दिन में निकल जाएंगे, और एक साथ मतलब बहुत पैकेट है, तो वो धीरे धीरे बन रहे हैं, और वो जैसे ही बन के तैयार होते हैं हम आपको भेज रहे हैं। बाकी आपको पता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ये जो प्रयोग है इसको करना कब है, इसको कर रहिएगा, आज संडे है, आज कर सकते हैं, आप इसे मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं। इंस्टेंट अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो फिर आप बिना दिन देखे भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी हम कोई काम करते हैं तो बच्चों राहु काल का जरूर ध्यान दिया करो। मेरे से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो फला उपाय कराया, दिमाग का उपाय कराया, मेरा काम नहीं हो रहा। राहु काल का ध्यान दिए बिना अगर कोई उपाय कर लोगे ना तो वो उपाय काम नहीं आता है। अब बोलोगे माता ये राहु काल क्या होता है, तो आज का राहु काल ऐसा करके अगर आप नेट पे डालोगे तो आज का राहु काल कब है वो दिख जाएगा। राहु काल पे और अभीष्ट टाइम पे, अनिष्ट टाइम पे कोई भी क्रिया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, नहीं लगता। हर चीज के लिए भगवान ने तिथि बनाई है, ईश्वर ने तिथि बनाई है, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गणेश जी लिखिएगा। खुश रहो और सफल रहिए अपनी जिंदगी में। जिनका बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू यू, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, आपका दिन बहुत बहुत सुंदर हो, शुभ हो, और शुक्र के लिए जो है अमेरिकन डायमंड या स्फटिक या फिरोजा सिद्ध किया हुआ पहना जाता है, शुक्र इससे मजबूत होता है, सभी पहनते हैं, हम लोग भी पहनते हैं। जिन लोगों को नाम प्यार इज्जत शोहरत ख्याति चाहिए होती है सबको पहनना पड़ता है सदके में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, हर हर महादेव।